नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। थानागंज टी आई ए बी मर्सकोले ने आईपीएल क्रिकेट मैच सत्ते पर की बड़ी कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में एसडीओपी सृष्टि भार्गव के मार्गदर्शन में लगातार ऑनलाइन आईपीएल सट्टा जैसी आवधानिक गतिविधियों पर रोकथाम हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के पालन में थानागंज बैतूल पुलिस द्वारा लगातार दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें लाखों रुपयों के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसका नेटवर्क दमोह, भोपाल, इंदौर, इटारसी, बैतूल तक फैला होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। आईपीएल सट्टे के विरुद्ध अवैधानिक गतिविधियां पर रोक लगाने हेतु तकनीकी टीम के द्वारा लगातार सहायता ली जाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है। घटना का विवरण। दिनांक 2-3 मई 2023 को रात्रि कस्बा भ्रमण दौरान टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नेहरू पार्क चौपाटी के पास एक अभिनव उर्फ अभय नाम के एक व्यक्ति को आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने की सूचना के आधार पर गंज थाना पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही करते हुए नेहरू पार्क चौपाटी पहुंचकर संदेही अभिनव आर्य उम्र 35 साल निवासी विकास नगर बस स्टैंड चिचोली से पूछताछ की गई तो बताया कि कालू सिन्हा निवासी गंज एवं रंजीत राय निवासी दमोह द्वारा अलग अलग बैंक खातों एवं मोबाइल नंबरों द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टे के रुपए पैसे लिंक एवं पासवर्ड खरीदने तथा चुकारा देने की बात स्वीकार की। उक्त व्यक्ति सियोमी एवं वन प्लस कंपनी के मोबाइल फोनों की चेक किया गया, जो फोन में आईपीएल सट्टे के रुपए पैसा के लेन देन अलग अलग समय एवं दिनांक पर विभिन्न राशियों के कुल 10 लाख रुपए के लेन देन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से सियोमी एवं वन प्लस कंपनी के 2 मोबाइल फोन एवं नकदी 44,000 रुपए पुलिस ने जब्त कर लिया गया। आरोपी अभिनव आर्य एवं उसके साथी कालू सिंधी निवासी गंज एवं रंजीत राय निवासी दमोह के विरुद्ध अपराध धारा अधिनियम एवं पंजीबद्ध किया गया। गंज थाना प्रभारी एबी मर्सकोले की विशेष भूमिका रही। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार निर्देश दे रहे हैं सभी थाना प्रभारियों को। इसी तारतम्य में मेरे अनुभाग में कोतवाली और गंज को बताया गया है कि जो भी ऑनलाइन गैम्बलिंग और आईपीएल सट्टे जैसी एक्टिविटी है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेंगी मेरे सब डिविजन में और जिले में। तो इसी तारतम्य में लगातार हमारी जो टीम है वो तकनीकी रूप से सक्रिय है और इस तरीके की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इसमें एक मुखबिर सूचना एबीएम मस्कोले साहब जो गंज थाना प्रभारी हैं उनको टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई कि अमर उर्फ अभय पिता अजय आर्य ये कोई व्यक्ति हैं जो एजेंट के रूप में आईपीएल सट्टे में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जब इनको रात को राउंड अप किया गया, सब इंस्पेक्टर्स और टीआई साहब स्वयं जाके एक एक्टिवली गए और टीम के साथ इनको राउंड अप किया तो इनके जो मोबाइल चेक किए गए तो उसमें तकरीबन 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन मिला। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये बहुत ही अलग अलग खातों में गया हुआ है और इसमें 44,000 की तत्काल जो मौके पर हमें जो अमाउंट मिला वो हम लोगों ने बताया है। और इसमें जो लिंक हम लोगों के डेवलप हो रहे हैं वो इंदौर, भोपाल, इटारसी, दमोह, बीना, बहुत दूर दूर के आ रहे हैं। इसमें लगातार टीम वर्क कर रही है, एसपी सर इसमें लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं हम लोगों को कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लिंक डेवलप करके इस अवैधानिक गतिविधि पर अंकुश लगाएं। इसी तारतम्य में इसके साथ ही अमर उर्फ अभिनव उर्फ जो जिसके पिता का नाम अजय आर्य है उसके जो लिंक हैं वो क्लियरली डेवलप हुए हैं कालू सिंधी के साथ और एक रंजीत रॉय जो दमोह का निवासी है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सट्टों में सक्रिय हैं। तो इसमें अभी जांच चल रही है और आगे जो विवेचना होगी अवगत कराएंगे।